नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं अंटार्कटिका के ब्लड फॉल के बारे में, तो वीडियो को अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों, ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। यहाँ कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखकर लोग हैरान हो जाते हैं, कई बार आंखों पर यकीन नहीं होता। दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिनको सुलझाने के लिए वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं, लेकिन कई बार वैज्ञानिक भी इन रहस्यों को सुलझा नहीं पाते। आज हम आपको ऐसे ही किसी रहस्य के बारे में बताने वाले हैं जहां खून का झरना बहता हुआ दिखाई देता है। ये झरना ब्लड फॉल के नाम से जाना जाता है, जो -17 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी नहीं जमता। इसके पीछे क्या रहस्य है, आज तक वैज्ञानिक भी इसे सुलझा नहीं पाए हैं। दोस्तों, वैसे तो अंटार्कटिका महाद्वीप में कई ऐसे रहस्यमय इलाके हैं जहां जोखिमों की भरमार है। उन्हीं में से एक की खोज 1911 में अमेरिकी जीव वैज्ञानिक ग्रिफिथ टॉयलर ने पूर्वी अंटार्कटिका में की थी, जिसे ब्लड फॉल के नाम से जाना जाता है। यह झरना 5 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। इस झरने के लाल रंग के पीछे कई कारण दिए जाते हैं। सबसे पहले थ्योरी के अनुसार रिसर्चर का मानना था कि ग्लेशियर के नीचे बहने वाली झील बर्फ के रूप में बदल गई है और ग्लेशियर में दरार पड़ने से पानी का फ्लो बाहर आने लगा। इसके साथ पानी में मौजूद आयरन ऑक्साइड हवा के संपर्क में आने के बाद लाल रंग का हो गया, जिससे इसके पानी का रंग खून के जैसे दिखने लगा। 1960 में वैज्ञानिकों द्वारा दोबारा खोज करने पर यह पता चला कि ग्लेशियर के नीचे लोह नमक मौजूद है। लोह नमक का मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है। हैरानी की बात तो तब हुई दोस्तों, जब 2009 में एक स्टडी में यह पता चला कि ग्लेशियर के नीचे सूक्ष्म जीव होने की संभावना है, जिसके कारण ग्लेशियर से खून का झरना निकल रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस ग्लेशियर के नीचे 40 लाख साल से सूक्ष्म जीव रह रहे हैं। ये बहुत बड़े इकोसिस्टम का छोटा सा भाग है जिसे वैज्ञानिक खोज पाए। वैज्ञानिकों की माने तो यहाँ इन्हें एक इलाके से दूसरे इलाके की खोज करने में कई दशक लग जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगला वीडियो आपके